नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। तो सो बात करते जी आज की वीडियो की। भाई वीडियो इस प्रकार से कि आपका भाई आज ट्राई करने जा रहा जी भाई मसाला सूखा चिकन। तो चलिए स्टार्ट करते जी बनाना और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं जी अब बनाना। भाई ये जी चिकन के लेग और थाई पीसेस है, ठीक है जी। 1 किलो 200 ग्राम, ज्यादा नहीं है। इसमें डालेंगे जी 2 चम्मच भाई गरम का मसाले का पाउडर, 2 चम्मच भाई धनिया का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी यानी हेल्दी, 2 टेबलस्पून तंदूरी चिकन का मसाले का पाउडर, कोई भी रेडीमेड चलेगा, 1.5 चम्मच भाई लहसुन पाउडर यानी जिंजर पाउडर नहीं गार्लिक पाउडर, 4 चम्मच भाई लाल मिर्च का पाउडर, भाई नमक स्वाद के अनुसार, 4 टेबलस्पून भाई मस्टर्ड का तेल। तो जी इसे प्रॉपरली अब मिला मुलू लो चंगी तरह से। तो जी मैरिनेशन हो गई है, इसे अब 2 घंटे के लिए भाई रेफ्रिजरेट कर लो। तो दोस्तों भाई नेक्स्ट कार्रवाई इस प्रकार से है जी, भाई कढ़ाई लगा दीजिए काले रंग की, इसमें लगा दीजिए मस्टर्ड का तेल भाई कितना, 8 से 10 टेबलस्पून भाई ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसके हल्का गर्म होने का वेट तो कर लियो। तो जी तेल हल्का फुल्का गर्म हो गया जी, इसमें डालता हूँ जी मैं लाल मिर्चे साबुत भाई कितनी है, 4-5 होंगी भाई, 3 तेज पत्ते 2-3 इलाचियां, दालचीनी और भाई चक्रफूल। तो जी इन्हें प्रॉपरली मिला मिलूंगा, और सॉरी भाई 4 लौंग मैं डालना भूल गया था भाई मिला। तो जी सोंगी खुशबू स्टार्ट हो गया जी, तो डालो जी सारे के सारे मुर्गे। तो जी मिला लो। तो जी मिक्स मैंने कर दिया, अब करना क्या जी, गैस हाई फ्लेम पे ही रखो आप और इसे 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे करछी चलाते भाई पका ले। तो जी 2 मिनट नहीं पूरे 3 से 4 मिनट हो गए जी इसको फ्राई होते हुए जी हाई फ्लेम पे। अब करना क्या जी, करना कुछ नहीं है जी, इस पे ढक्कन रखो और 15 से 17 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे आप पकने दो भाई, बीच बीच में करछी चलाते भी रहना, ठीक है ना। तो दोस्तों पूरे के पूरे 17 मिनट हो गए, चख लो भाई ये स्थिति है, क्या स्थिति है भाई, पानी तो छोड़ दिया जी, ठीक है जी, क्योंकि मसाले के साथ मिक्स हो चुका है। अब करना क्या जी, करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा करछी चला के और फिर सेट कर दो और इसे 2 से 3 मिनट के लिए और लो फ्लेम पे पकने दो अभी फिलहाल। तो जी 2-3 मिनट हो गए, चख लो भाई, देख लो कितना पानी है ना, और पानी छोड़ दिया इसने। हाँ अब करना क्या जी, ये जो पानी देख लो ना वाला, देखो ये दिखाओ अच्छे से दिखाओ फोकस। तो भाई करना क्या जी, गैस का फ्लेम हाई कर दो हाँ, और इस पानी को खत्म कर दो, खत्म टोटल खत्म, समझे भाई, कड़ी चलाते रहना। तो लो जी पानी एकदम फिनिश, जड़ से पानी खत्म कर दिया, देख रहे हो। तो लो दोस्तों भाई बनके तैयार हो गया जी, अब करते हैं इसे टेस्ट। तो लो दोस्तों भाई बनके तैयार हो गया जी अपना भाई सूखा मसाला चिकन या स्पाइसी ड्राई चिकन बोल लो भाई। देखो यार भाई बताओ दिख कैसा रहा है, मुझे बताओ लग कैसा रहा है हाँ, और कितने लग, ओ इस पे तो दालचीनी बैठी हुई है भाई, देखो हाँ देखो स्थिति देख रहे हो क्या हाँ, ये देखो ये मिर्ची ड्राई एकदम सूखा हाँ, एकदम सूखा भाई। साथ में और क्या लिया जी, साथ में लिए जी ये निक्के मुट्टे प्याज एंड दिस इज चटनी हम घरेलू चटनी हाँ, धनिया पुदीना नींबू दही नमक हरी मिर्ची हाँ, और क्या ही है। अब मुद्दा ये है भाई, ये जो सूखा सूखा स्पाइसी लोडेड चिकन है भाई, ये खाने में कैसा है हाँ, ये धमाका है या ये एवें एवें ही है हाँ, आ इज्जत से आ भैया हाँ। देखो जी इस पर क्या डालूं मैं, मसाला तो हाई नहीं ना इसके ऊपर मसाला कोई यार बाबा। भाई देखो ये इसकी स्थिति है, थोड़ा जूम, अरे जूम नहीं भाई, पास लो फोकस करो हाँ भाई, अच्छे से दिखाओ हाँ, देखो फोकस भाई, देखो ये मसाला जो चिपका हुआ हाँ भाई बताओ, ये देखो जी स्थिति, ऑयल देखो ऑयल, ये देखो मसाला कहाँ बैठा हुआ है, इज्जत से बैठा हुआ देखो हाँ, इतनी गहराई तक ये मसाला दर गया हुआ है इसके। भाई मुद्दा ये है कि जो इतना स्पाइसी हाँ चिकन है सुक्का, ये खाने में कैसा होगा, देख के स्वाद आ रहा है यार, लाली पापा बहुत ज्यादा स्पाइसी, बहुत ज्यादा तीखा, ऑयल का फ्लेवर बहुत प्यारा मस्टर्ड का जो हमने कच्चा डाला ऐसा कोई मसाला नहीं है जो हावी होके
इस पे रूल कर रहा हूं। सब परफॉर्म कर रहे हैं, सब परफॉर्म कर रहे हैं, और नमकीन नमकीन टेस्ट और स्पाइसी स्पाइसी टेस्ट जो आ रहा ना वो बहुत ही लजीज आ रहा है। बल्कि मैं क्या ही बोलूं, आओ बल्कि आप ये ना सोचना कि कुछ खड़े मसालों का कोई फ्लेवर होगा जो इसमें आ रहा होगा, वैसा कोई नहीं है। बल्कि कहने का मतलब ये है कि भाई जो एक कंबाइनों के जो मसालों ने इस पे हमला बोला हुआ है, उन्होंने फ्लेवर दिया है। अगर आप बोलोगे रेटिंग क्या इसकी, तो भाई रेटिंग में से 8.5 नंबर दूंगा, 8.5 नंबर, ठीक है ना। ना ये जावर है, ना ये जबरानजा है, ना ये जबरा है, समझे मेरी बात। 8.5 नंबर जी डिजर्व करता है, ये टेस्टी है भाई। ये जो कैप है ना, कैप ये मेरे को बहुत पसंद है। देखो टूट गया, आ भाई एकदम सिंपल रेसिपी है। और एक और पीस कड़ा पीस, अब थाई पीस कहेंगे, थाई पीस मसाले से लैस। आ भैया हड्डी, अरे बेटे साइड पे देखो भैया, मसाला मैं चाखेगा। आ भैया ओह, बस तीखा तीखा और नमकीन नमकीना फ्लेवर जो है ना वो एंजॉय करोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे बताया, कोई मसाला मुसूला कोई बता नहीं रहा मैं क्या हूँ। आ भाई इसकी स्थिति देखो भैया, इसकी भी सेम स्थिति देखो, अंदर तक भीतर तक मसाला, ओहो भाई इस पर ना ये चटनी डालेगा, कौन सा जो मैं बोला आपको। आ भाई आ ठीक है, ऐसा कुछ धमाका नहीं हुआ, ठीक है। इस पे ये प्याज पूज भी रखेगा, मसाला देखो यार, निक्का जिया प्याज रखते, निक्का जिया। अच्छा फ्लेवर अच्छा आया, मतलब प्याज के साथ बहुत टेस्टी फ्लेवर आया। भाई देखो अगर आप चाहो इसे आप ऐसा स्नैक भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, बट ध्यान रहेगी ये नॉट रिकमेंडेड फॉर बचा पार्टी, बचा लोग के लिए नहीं है। बट हाँ जो बचा बड़ा लोग हैं वो खा सकता है, बट निक्का निक्का 15 साल से नीचे यार थोड़ा सा है। दूसरी बात ये है कि जो उसका फ्लेवर है वो कहीं लोगों को ना इतना पसंद ना आए, बट जो ड्राई खाने वाले या पार्टी पुटी करने वाले हैं, समझे मेरी बात, वो काफ़ी इसे लाइक करेंगे यार, उन्हें बहुत मज़ा आएगा। हाँ ये मेरा विश्वास है। भाई विश्वास तो हो ही गया, अब मुद्दा ये है कि किंग के साथ ये क्या विश्वास प्राप्त कर सकता है। मैं किंग को लेके आता है। तो लो दोस्तों भाई किंग की एंट्री हो चुकी है, आज किंग बहुत खेला लग रहा है यार, वही माँ चल गया रे, देखो 1, 2, 3 और 4 हो गया, वापस आओ। तो आओ भाई अब इसको लेना पड़ेगा भाई, देखो मसाला तो आई नहीं है ना, सबको लेके आई जाएगा, सबको बहुत है। क्योंकि बेसिकली क्या है ना, इसे लगा के खाना भाई किंग के साथ में, तो इसलिए मटेरियल थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए भाई। किसका भाई, पीसीस का यार। तो भाई इसको थोड़ा चिपकू के ऐसे रखते हैं, ठीक है। आ भाई लेग तू आ इस पे सेट होके भाई, पहली बाइट बहुत ड्राई है, लेकिन किंग के साथ जो नमकीन नमकीन और मिर्ची मिर्ची वाला फ्लेवर आ रहा ना, वो आपको अच्छा टेस्ट देगा यार। बट किंग शुड बी लिटिल ठंडा, थोड़ा गर्म होएगा ना, थोड़ा टेस्ट को आप इतना एंजॉय नहीं कर पाओगे, थोड़ा ठंडा नहीं हो रहा यार, ठंडा करता हूँ मैं इसको अच्छे से। तो भाई दूसरी बात ये कि मैंने कहीं पर भी जिंजर गार्लिक को या टमाटर प्याज को इसमें मिस नहीं किया, अपने आप में तगड़ी सी रेसिपी है यार, ये मज़ेदार रेसिपी है यार, सच में कह रहा हूँ। भाई देखो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, अबे इंग्रेडिएंट बोलते हैं इंग्रेडिएंट मसाला भाई, जिंजर पाउडर, सॉरी भाई क्या बोल रहे हैं बाबा, गार्लिक पाउडर बोले तो लहसुन का पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं वो फ्लेवर को ना थोड़ा सा ना दे रहा, धक्का दे रहा है यार,
समझा करो मेरी बात को। अरे बाबा चटनी तो लीच नहीं। आ भाई अच्छा ये ना ये बहुत तीखी मिर्चियाँ ये मिर्चियाँ जब फ्राई होती हैं फ्राई उसके बाद क्या फ्लेवर देती हैं यार, बड़ा प्यारा बहुत टेस्टी टेस्टी। बहुत टेस्टी बहुत टेस्टी। तो दोस्तों भाई ये दादाजी एकदम स्पाइसी स्पाइसी भाई सूखा चिकन आप ये जरूर ट्राई करना, मुझे बताना भाई कैसा लगा और कैसा बना। तो बताइए नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।